السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आज की हमारी क्लास सत्यम पुराण सूर्य बनी इसराइल आयत नंबर 94 से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. ना नहीं मना मना किया अन्नासा लोगों को, लोगों को मना नहीं किया, इन लोगों को नहीं रोका। अन के युग मेनू आमना युमिन माने ईमान लाए, कि वो ईमान लाए। युग मेनू थर्ड पर्सन का प्लूरल है, यहाँ से हट गया है युग में नूना, एक्चुअल में युग में नूना है, अन की वजह से यहाँ नूना गया। अन की युग में नू वो ईमान लाए और लोगों को नहीं रोका इस बात से कि वो ईमान लाए। इद जब जा आहूं उनके पास आ गया अलहुदा सीधा रास्ता, जब उनके पास सीधा रास्ता आ गया, जब उनके पास हिदायत आ गई, तो लोगों को ईमान लाने से नहीं रोका इल्ला मगर इस बात ने, मगर अन कालू, मगर इस बात ने, अन के कालू उन्होंने कहा, आ क्या बासा मबूस किया अल्लाह, अल्लाह ने बशरा बशर बशर इंसान को, बशर माने इंसान, बशरा तनवीन के साथ है, एक इंसान को रसूला रसूल बनाकर, रसूल बनाकर मबूस किया अल्लाह ने इंसान को। ऐसा कैसे हो सकता है, अल्लाह इंसान को कैसे ही रसूल बना सकते हैं। तो इस बात से उनको ताज्जुब था और इस वजह से वो ईमान नहीं लाए। और जब उनके पास हिदायत आ गई तो उनको ईमान लाने से इसके सिवा और कोई चीज माने नहीं हुई कि उन्होंने कहा कि क्या अल्लाह ने बशर को रसूल बनाकर भेजा। قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كه ديجي لو أجر كان بودي في الأرض زمين ملائكة فرشتي أجر زمين فرشتي ره رهي وتي يمشونا مشا يمشي مشيون ما نهوتا چلنا यमशूना वो चलते हैं, मुतमइन्नीना मुतमइन्नीन, मुतमइन्नून का प्लूरल है मुतमइन्नून और एक केस में मुतमइन्नीन, इत्मानना इसका वर्ब है, इसका माने होता है इत्मीनान सुकून होना, मुतमइन होना, बेखौफ होना। मुतमइन्नीना मुतमइन होकर सुकून और चैन से अगर फरिश्ते चलते फिरते जमीन में, लनज़लना तो नज़लना, लव ये एक कंडीशन के लिए आता है, लव अगर ऐसा होता, और उसके जवाब में ला भी आता है, तो यहाँ पर ये ला सिर्फ इसका जवाब है लव का। नज़लना नज़लना हम नाजिल करते भेजते, नज़ला माने होता है नाजिल का ना, नज़लना हम भेज देते, अलैहिम उन पर, मिन समाई आसमान से, मलकन एक फरिश्ता, रसूला रसूल बने। कहो अगर जमीन में फरिश्ते होते इसमें चलते फिरते, तो अलबत्ता हम उन पर आसमान से फरिश्ते को रसूल बनाकर भेजते, कि यहाँ पर इंसान रहते हैं तो जाहिर है कि इंसान को ही रसूल बनाकर भेजा जाएगा। قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قل कह दीजिए कफा, कफा एक भी किफायतुन माने होता है काफी होना, ये वर्ड बहुत बार आ चुका है, काफी उर्दू में ही बोलते हैं, काफी है ये, पर्याप्त है, इनफ है, काफी होना, तो कफा काफी होना। इसका जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ आमतौर से बालक किया जाता है, सब्जेक्ट के साथ बालक, तो कफा बिल्लाही अल्लाह काफी है, शहीदन गवाह, बैनी मेरे बीच में,
भाई ना माने होता है बीच में, या मेरे मेरे बीच में, वो भाई नकुम और तुम्हारे बीच में, तुम्हारे और मेरे बीच में अल्लाह गवाही के लिए काफी है, अल्लाह गवाह काफी है। अब मुझे दलाइल देने की जरूरत नहीं है बार बार, और ये बताने की कि नहीं, बार बार वो यही कहते थे कि तुम ये कर दो वो कर दो, अभी पीछे था कि तुम आसमान पे चढ़ जाओ और किताब लाओ, उसमें भी उससे पहले भी था कई जगह, तो बस निशानियां ये मांगते रहते हैं, और इनको यही डाउट होता रहता है कि इंसान कैसे अल्लाह का रसूल है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप उनसे कह दीजिए कि मेरे और तुम्हारे बीच में अल्लाह है काफी गवाही के लिए, अल्लाह ने मुझे बनाकर भेजा और मैं बता रहा हूँ कि मैं ये कलाम अल्लाह की तरफ से लाया हूँ, अल्लाह का कलाम तुमको सुना रहा हूँ, अब तुम्हें मानना है मानो नहीं मानना खाना है बेइबादी ही अपने बंदों के साथ, खबीरा जानने वाला, बसीरा देखने वाला, तो बेशक वो है। काना मैं आपको बता चुका हूँ अल्लाह के साथ नॉर्मली है के मीनिंग में आता है, और काना का एक्चुअल मीनिंग भी होता है, था भी होता है, और एक मीनिंग इसका है ये भी होता है। तो इन नहु बेशक वो काना है बेइबादी अपने बंदों के साथ, खबीरा जानने वाला, खबीर कहते हैं जानने वाले को, खबर उर्दू में बोला जाता है, आपको कुछ खबर है, आपको कुछ खबर है मतलब आपको कुछ पता है, ऐसे पूछते हैं ना उर्दू में, आपको कुछ खबर है इस चीज की, आपको कुछ पता है क्या, तो खबीर जिसको पता हो, तो वो अपने बंदों से बाखबर है, अपने बंदों के बारे में उसको पता है, बसीरा वो देखता है अपने बंदों, कहो कि अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए काफी, बेशक वो अपने बंदों के जानने वाला देखने वाला है। ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ومن جو شخص ایسا ہے يهد الله اللہ نے ہدایت دے دی اس کو ومن اور جس کو يهد الله اللہ ہدایت دے دی اور جس کو من جس کو میں نے بتایا تھا من یہ سبجیکٹیو جب ہوتا ہے تو جو کی میننگ میں آتا ہے اور جب آبجیکٹیو ہوتا ہے تو جس یا جسے ایسے بھی اس کا ترجمہ تو یہاں پہ آبجیکٹیو وہ جس کو یہد اللہ اللہ ہدایت دے دے ہدایت دی ہدایت سے اللہ ہدایت دے دے فہوا تو وہی المقتدی ہدایت والا ہے راہ پانے والا ہے تو میں پڑھتے کہ اللہ کے قانون ہے ہدایت دینے کے جو اللہ کی طرف رغبت رکھتا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں وہ جس کے دل میں نیکی ہوتی ہے اللہ اس کو ایمان کی توفیق دیتے ہیں ہدایت دیتے ہیں سیدھے راہ دکھاتے ہیں اور جو اپنے آپ کو ایسا کر لے کلوز کر دے تو اس کا کچھ نتیجہ بھی بھگتنا پڑتا ہے جیسے ہر ایک چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے ریئیکشن ہوتا ہے تو ایسے ہی اگر آدمی نافرمانیوں میں لمٹ کروز کر دے تو اس کا بھی ایک ریئیکشن ہوتا ہے اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی پھر اس کو اچھے اور برے میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کئی بار چیزیں آسان لگتی ہیں آدمی دوسرا بندہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یعنی یہ تو بڑا آسان ہے ان کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ساری چیزیں تو نہیں ڈیٹیل میں ہے لیکن جب آدمی لمٹ کروز کر دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے تو اس لیے کہ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے دوسرے کو چاہے سمجھ میں آ رہا ہو وہ تو یہ سمجھے کہ ایک بڑا آسان ہے تو اس لیے ہمیں اللہ کی طرف رغبت رکھنی ہے اور اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہدایت کا یہی راستہ ومن یضلل اور جس کو وہ گمراہ کر دے من جس کو یضلل جو گمراہ کر دے فلن تو ہرگز نہیں تجدہ تم پاؤ گے لہم تم کے لیے اولیاء ولی کوئی مددگار کام بنانے والا من دونہ ہی اس کے علاوہ جو اس کے مقابلے میں اللہ کے مقابلے میں تم ان کا کوئی مددگار حامی نہیں پاؤ گے اللہ جس کو راہ دکھائے وہی راہ پانے والا ہے اور جس کو وہ بے راہ کر دے تو تم ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پاؤ گے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ونحشرو حشر يحشرو حشر معنی ہوتا ہے جمع کرنا ونحشرو اور ہم جمع کریں گے حشر يحشرو یا تھرڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے اور نون فرسٹ پرسن کے لیے ہوتا ہے تو یا تو اس میں نہیں ہے نون ہے فرسٹ پرسن کے لیے
फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर के लिए अलिफ आता है और प्लूरल के लिए नून आता है, तो यहाँ पे प्लूरल इस्तेमाल हुआ। वनहशुर, और हम जमा करेंगे, हम जमा करेंगे हूँ उनको यौमल कयामती, कयामत के रोज, आला वजूह ही, वजहून का प्लूरल है वजूह, आला माने होता है पर, वजूह ही उनके चेहरों पर, हम उनके चेहरों पर उनको खड़ा करेंगे, जमा करेंगे। उमियन, आमा का प्लूरल है उमिया, ठीक है, आमा अभी पीछे भी आया था, अंधा। बुकम, बुकम अबकम का बा काफ मीम ही इसका रूट है, बुकम प्लूरल है, इसका माने वो होता है जो बोल ना पाए, उसको गूंगा कहते हैं। सुम्मा, सुम्मुन असम का प्लूरल है, असम ऐसे सॉ मीम असम इसका प्लूरल है, तो असम, समम माने होता है कान में भारीपन होना, डांट पड़ जाना, कोई चीज रुकावट वाली चीज कान में आ जाना जिसकी वजह से सुनाई ना दे, समम माने होता है, तो उसी से बना समम माने बहरा। और कयामत के दिन उनको उनके मुंह के बल, इनको इनके मुंह के बल अंधे और गूंगे और बहरे इकट्ठा करेंगे। यहाँ पर तर्जमे में हम नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, इसलिए कई बार छोड़ दिया जाता है, और ये उर्दू के अतबार से तर्जमा हुआ है, यहाँ अरबी लिखी भी है, यहाँ आप देखेंगे हिंदी में हम लिखा हुआ मावाहुम जहन्नम कुल्लमा खबत जिदनाहुम सगीरा, मावाहुम अवा हमजा वाउ या माने होता है पना लेना, ठिकाना लेना, कहीं पर रखना, मावा उनका ठिकाना, मावा हूँ उनका ठिकाना जहन्नम, जहन्नम है। कुल्लमा जब भी, खबर, खबर माने होता है हल्का पड़ना, आँच का हल्का पड़ना, गर्मी का हल्का होना, शिद्दत का कम हो जाना, शिद्दत तो जोर जो होता है किसी चीज में उसका जोर कम पड़ जाना उसको खबा बोलते हैं, ठीक है, तो आग की जो शिद्दत है वो जब कम पड़ जाएगी, जिद ना हो, हम उनको ज्यादा करेंगे, सगीरा ज्यादा, ज्यादा जिद ना, हम ज्यादा करेंगे हम उन लोगों को, सगीरा, सगीर कहते हैं आग के लपट, सगीरा जलने को, तो सगीरा जलने के अतबार से हम उनको और ज्यादा करेंगे, यानी हम आँच को और तेज कर देंगे, उनका ठिकाना जहन्नम है, जब उसकी आँख आग धीमी होगी हम उसको मजीद भड़का देंगे। ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا, देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला हर एक, मैंने आपको पहले भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाई थी, हर एक जगह जब किसी को सजा मिलती है वहां पे ये भी बता दिया जाता है कि ये नहीं कि बस ऐसे ही दिया जा रहा है किसी को, दे बस इनको सजा दे दी, उनको छोड़ दिया, ऐसा अब ये ذَلِكَ, ये جَزَاؤُهُمْ उनका बदला है, बदला, बदला तो आप जानते ही होंगे ना, बदला किसको कहते हैं, बदले में ही एक वर्ड होता है कि आपने कुछ किया उसके रिजल्ट के तौर पर आपको ये मिल रहा है, वो बदला होता है, गाली का ये जैसा उनका बदला है इस चीज का, बयान ना उनके, उन्होंने कफरू इनकार किया, भी आया थी ना हमारी आयतों का, ये है उनका बदला इस सबब से कि उन्होंने हमारी निशानियों का इनकार किया। وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا, وقالوا, और उन्होंने कहा, उन्होंने एक तो इनकार किया हमारी आयतों का, और दूसरे उन्होंने ये बोला ईजा आ क्या ईजा जब कुन्ना हम हो जाएंगे इजामन, इजाम अजमुन इजाम हड्डी, इजाम ठीक है, हड्डियां, जब हम हड्डी हड्डी हो जाएंगे, जब हम हड्डी हड्डी हो जाएंगे, वो रुफातन, तो रुफात कहते हैं किसी भी चीज के बाकी बचा हुआ जो कचरा होता है उसका, रेजा रेजा जो होता है टुकड़ा टुकड़ा उसको, वो रुफातन, और रेजा रेजा हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जब हम, और हड्डी हड्डी हो जाएंगे, आ क्या इन्ना हम लम बुसूना, लाम ताकीद के लिए, क्या हम मबूस मबूस किए जाएंगे, मबूस ये मफ़ऊल के स्केल पर है, ऑब्जेक्ट होता है मफ़ऊल, जिसको ऐसा किया जाए, मबऊस ना हमको मबऊस किया जाएगा, मबऊस दोबारा से बनाया जाएगा, खलक
खलकन पैदा करना, हमको खल्क माने पैदा होता है, हमको मबऊस किया जाएगा, खल्कन तखलीक में जदीदा नई, तो नई तखलीक में नए तौर पर हमको असर रूम दोबारा हमको पैदा किया जाएगा, मबऊस किया जाएगा। और कहा कि जब हम हड्डी और रेजा हो जाएंगे तो क्या हम असर रूम पैदा करके उठाए जाएंगे। أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ. क्या लम, क्या लम, वाव ये पहले वाला है जो पहले शुरू में होता है वही वाला है, तो ये आगे बाद अगर वाव या फा होता है तो पहला अगर होता है तो उसको बाद में लिखा जाता है, मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ। बुशरा आपका कैमरा क्यों ऑन नहीं है, बोलना क्यों पड़ता है आप लोगों को। हाँ क्या लम, नहीं, और क्या नहीं, यारो उन लोगों ने देखा अन अल्लाह के बेशक अल्लाह अल्लादी वो है जिसने खलाका पैदा किया असमावात आसमानों को, समावात समा प्लूरल है, वल अर्द और जमीन को, क्या उन्होंने नहीं देखा कि बेशक वो अल्लाह जिसने आसमान को आसमानों को और जमीन को पैदा किया है कादिर कादिर है आला इस बात पर अन के यखलुका पैदा करे मिसल उनके जैसे को, उनके जैसे को अल्लाह पैदा करे, वजाला और उसने बनाया लहुम उनके लिए लोगों के लिए अजलन एक मुद्दत ला रैबा फी ला नहीं रैब माने शक फी उसमें उसमें कोई शक नहीं, क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि जिस अल्लाह ने आसमानों और जमीन को पैदा किया वो इस पर कादिर है। ये देखिए का ये अलग अलग आ रहा है थोड़ा सा यहाँ पर आ गया इसका काम, तो जस्टिफाई की वजह से टेक्स्ट जस्टिफाई करते हैं तो उस वजह से इधर आ गया थोड़ा सा, वो इस पर कादिर है कि उनके मानिंद दोबारा पैदा करे कर दे और उसने उनके लिए एक मुद्दत मुकर्रर कर रखी है उसमें कोई शक नहीं, उस मुद्दत में कोई शक नहीं। तो ये देखिए ये एक लॉजिकल बात बताई जा रही है कि जिसने इतनी बड़ी बड़ी चीजें पैदा की है वो इतनी छोटी सी चीज नहीं बना सकता कि दोबारा से, इसमें क्या मुश्किल चीज है, तो इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं। ऐसे आदमी एग्जाम्पल देता है बहुत सी बार, हमने ये कर दिया तो ये क्या मुश्किल है हमारे लिए, कुछ नहीं, ये तो बाएं हाथ का खेल है सब। तो ऐसे ये सारी चीजें पैदा करने वाला अल्लाह क्या कादिर नहीं है इस बात पर। फअबा अज़्ज़ालिमून इल्ला कुफूरा, इस तरह की ताबीर अभी पीछे भी आई थी, अबा माने होता है इनकार करना, अबा अबा पापा, तो इनकार कर दिया अज़्ज़ालिमून ज़ालिमून इल्ला मगर कुफूरा इनकार करना, यानी उन्होंने सब चीज को इनकार कर दिया एक्सेप्ट नहीं किया मगर इनकार पर खड़े रहे, ये मीनिंग होता है इसका। तो इस पर जालिम लोग इनकार के बगैर ना रहे वो इनकार पर ही जमे रहे। قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. कह दो लो अगर तुम लोग तम लिखो ना मालिक हो जाओ, मलका एम लिखो माने होता है मालिक, मालिक हम उर्दू में बोलते हैं मीम लाम का इसका रूट है, अगर तुम मालिक हो जाओ खजाइना खजानों के रहमत रब्बी मेरे रब की रहमत मेरे रब की रहमत के खजानों के अगर तुम मालिक हो जाओ इजन तब लाम सब तो लाम फिर वही जवाब के लिए है लो के, यहाँ पे लो कंडीशन के लिए आगे जवाब के लिए ला आ गया ला, तो अम सकतो अम सका उसी को इमसाक माने होता है रोकना, अम सका रोकना जिसे ला अम सकतो तो तुम रोक लेते खर्च नहीं करते मतलब रोक लेते, हाथ रोक लेना बोलते हैं जिसको उर्दू में, तो तुम हाथ रोक लेते अपना खशियत अल इनफाक, खशिया माने होता है डरना खशियतुन माने डर, अल इनफाक अनफक युनफिक इनफाक माने होता है खर्च करना नून फाक आप से होता है, खशियत अल इनफाक इनफाक के डर से तुम हाथ रोक लेते हाथ खींच लेते, वकान अल इंसान और काना है अल इंसान इंसान कतूरा, कतूर कहते हैं जो तंगी करे तंग दिल, काफ्तारा कतरा आला आयाली माने होता है अपने अहलो आयाल पर अपने घर वालों पर
तंगी करना, हाथ रोक कर चलना, तो बड़ा तंग। और ये चीज है ना, हर इंसान अपने आप पर एक्सपीरियंस करके देख सकता है। बहुत सारी चीज होती है उसके पास, लेकिन आगे सोचता है नहीं, कभी खर्च हो जाए सारा, देता ही नहीं किसी को। मांगने वाला हो चाहे सवाल करने वाला, चाहे रिश्तेदार हो, जरूरतमंद हो, कई बार देता भी है तो बहुत थोड़ा सा देता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर सारी रहमत के खजाने तुम्हारे पास होते तब भी यही हालत होती तुम लोग। इंसान है ही तंग दिल। कहो कि अगर तुम लोग मेरे रब के रहमत के खजानों के मालिक होते तो इस सूरत में तुम खर्च हो जाने के अंदेशे जरूर हाथ रोक लेते, और इंसान बड़ा ही तंग दिल है। ये आप ऐसे देख लीजिए कि कोई काम कराता है कुछ, तो उसमें भी उसकी मेहनत से भी कम करने की सोचता है। ये एक आदमी अगर कुछ काम करा रहा है आपसे, आप उससे काम ले रहे हैं, तो उसकी मेहनत से भी कम कराने की सोचते हैं। थोड़ा बहुत कम कर लिए, थोड़ा उसकी मेहनत से भी कम करने की सोचते हैं। तो एहसान के तौर पर तो क्या देगा इंसान, मेहनत कहीं पूरा नहीं देता। وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَقَدْ قُلْ يَقِينًا آتَيْنَا هم دِيَا مُوسَى 9 9 माने 9 9 آيَاتٍ निशानियां, بَيِّنَاتٍ वाजे खुली हुई, فَاسْأَلْ तो पूछ लो, बनी इसराइल से, और हमने मूसा को वो निशानियां खुली हुई थी तो बनी इसराइल से पूछ लो। إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. إذ جب جاءهم وہ آیا ان کے پاس، فقال تو کہا له اس سے فرعون، فرعون نے انی بے شک میں لأظن، ظن ظن معنی ہوتا ہے خیال کرنا، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ بھی آتا ہے، خیال بھی اور یقین کے معنی بھی آتا ہے، یقین بھی، ठीक है। एक जगह हमने आपको बताया था जहां पर वो लोग अपने रब की मुलाकात का यकीन रखते हैं, तो वहां पे जन का लफ्ज है इस्तेमाल कुरान में, तो यकीन के लिए भी आता है। इन्नी लाजुन्नुका, मैं समझता हूँ का तुमको, जन है जुन्न समझना, अजुन मैं समझता हूँ, या को हटाकर अलिफ लगा देंगे तो फर्स्ट पर्सन हो गया, अजुन मैं समझता हूँ का तुमको, या मूसा ए मूसा मस्कुरा, सीन हारा से होता है, साहिरा माने होता है जादू करना, और मशहूर जिस पर जादू किया गया हो, मैं समझता हूँ कि तुम पर जादू कर दिया गया है। बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम इस तरह की, तुम पर जादू कर दिया गया है, तलाश करो। जबकि वो उनके पास आया तो फिरौन ने उससे कहा कि ऐ मूसा मेरे ख्याल में तो जरूर तुम पर किसी ने जादू कर दिया है, यानी तुम बीमार हो, बहकी बहकी बातें कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग संतुलन में नहीं है। قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال उसने कहा لقد علمت, तू जानता है, ما أنزل नहीं नाजिल किया, هؤلاء ये सब إلا मगर رب السماوات आसमानों के रब ने, फलकार दी वो जमीन के रब ने, बसाइरा बसाइर माने बा सौद रा से बना है, बसीरा उन बसाई खोलने वाला दिखाने वाला, ठीक है, तो बसाई आंखें खोल देने वाला बनाकर इनको अल्लाह ने हासिल किया है आसमानों जमीन के रब। मूसा ने कहा कि तू खूब जानता है कि इनको आसमानों और जमीन के रब ही ने उतारा है आंखें खोल देने के लिए। وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا وَإِنِّي और बेशक लाजुन मैं समझता हूँ का तुमको या फिरौन ए फिरौन मसबूर सबरा फुलानन का माने होता है किसी को हलाक कर देना तबाह कर देना, ठीक है, मसबूर जिसको हलाक कर दिया गया हो, जिसको हलाक कर दिया जाए उसको मसबूर कहते हैं। वो इन्नी और मैं समझता हूँ तुमको या फिरौन है फिरौन मसबूरा के तुमको हलाक कर दिया गया, यानी तुम्हारी श्यामत आ गई, और मेरा ख्याल है कि है फिरौन तू जरूर श्यामत ज्यादा आदमी है। मेहर अपना कैमरा थोड़ा सा नीचे कीजिए,
فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. فأراد توسن إرادك يا أن يستفز، أن كي يستفز، استفز يستفز، ये वर्ड पहले आ चुका है, अभी जस्ट पीछे वाले सबक में आया था। माने होता है किसी को हल्का समझकर पैर उखाड़ देना, हल्का आकर पैर उखाड़ देना। अयस्तफ, उन्होंने चाहा कि उनको अयस्तफिज़ा, उन लोगों के पैर उखाड़ दे, मिनल अर्दी, जमीन से। फअग़रक़नाहु, तो हमने उसको गर्क कर दिया। वमन माहू, और जो उसके साथ थे उनको भी, जमिया सबके सब। फिर फिरौन ने चाहा कि उनको उस जमीन से उखाड़ दे, फिर हमने उनको और जो उसके साथ थे सबको, उसको और जो उसके साथ थे सबको गर्क कर दिया। وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقلنا، और हमने कहा من بعده, इसके बाद, لبني إسرائيل, بني إسرائيل से, اسكنوا, سكن اسكن माने होता है रहना, साकिन कहते हैं रहने वाले को, मस्कून कहते हैं, मस्कन, सॉरी, मस्कन कहते हैं उस जगह को जहाँ रहा जाता है, रहा जाता है, मस्कन, ठिकाना, उसको रहो, अल अर्द, जमीन में, पैदा जा, फिर जब आएगा, वादुल आखिरती, आखिरत का वादा, जीना बिको, हम तुमको ले आएंगे, लफीफा, जमा करके, लफ माने होता है लपेटना किसी चीज को एक दूसरे के साथ मिलाना, तो लफीफ माने होता है इकट्ठा करना, लफा माने इकट्ठा करना किसी, लफीफ इकट्ठा, हम तुमको लफीफ मलफूफ के माने, जीना बिकुम लफीफा, हम तुम सबको, जा का माने के आना होता है, भी पीछे यहाँ पर तर्जमा हुआ था जा, वो आया, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जा जब बा के साथ आता है तो उसका माने होता है लाना, तो हम लाएंगे बिकुम तुम सबको लफीफा इकट्ठा करके। और हमने बनी इसराइल से कहा कि तुम जमीन में रहो, फिर जब आखिरत का वादा आ जाएगा तो हम तुम सबको इकट्ठा करके लाएंगे, यानी जब कयामत आएगी तो सबको इकट्ठा करेंगे। وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبالحق والحق حق ساتھ مع الحق أنزلناه हमने नाजिल किया इसको, وبالحق والحق ساتھ نزل, ये नाजिल हुआ है, यानी हक ही के साथ ही उतरा है, हमने इसको हक के साथ भेजा था और वो हक के साथ ही जैसा का तैसा वैसे ही बिल्कुल सेम आया है। वमा अरसलना, वो नहीं हमने भेजा था तुमको इल्ला मगर मुबशिरा, बशारत देने वाला, और नजीरा, और डराने वाला बनाकर, यानी आप लोगों को खुशखबरी सुनाते हैं, यानी जो बात मानेगा उनको खुशखबरी है, और जो नहीं मानेगा उनको डराते भी हैं। और हमने कुरान को हक के साथ उतारा है और वो हक ही के साथ उतरा है, और हमने तुमको सिर्फ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا القرآن فرقناه, يعني فرقنا القرآن ऐसे, وفرقنا وقرآنا والقرآن فرقناه, فرق करना माने अलग अलग करना, ठीक है, फर्क करना उर्दू में बोलते हैं कि दोनों में फर्क मत कीजिए, अलग अलग मत करिए, दोनों को अलग अलग मत करिए, ठीक है, फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, अलग अलग करना, ठीक है, तो फर्क माने अलग करना। और कुरान, और कुरान फर्क ना हो, हमने उसको अलग अलग किया, यानी थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके नाजिल किया हमने उसको, लितकरा, ताकि, पराया करो माने होता है पढ़ना, लितकरा ताकि पढ़ो, तो उसको अला नासी लोगों पर, यानी लोगों को पढ़कर सुनाओ, अला मुकसिन रुक रुक कर, ठहर ठहर कर, मकसा माने होता है ठहरना, मुकसिन माने ठहरना, आला मुकसिन ठहर ठहर कर तुम उसको पढ़ो, व नजलना हो, और हमने उसको नाजिल किया, तंजीला, नजरा इसका मीनिंग भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके नाजिल करना, ठीक, व नजलना हो, और हमने उसको नाजिल किया है, तंजीला थोड़ा थोड़ा करके, ये मजदर है इसका। और हमने कुरान को थोड़ा थोड़ा करके उतारा ताकि तुम उसको लोगों के सामने ठहर ठहर कर पढ़ो, और इसको हमने बतदरीज उतारा। قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله. قل كذا آمنوا به, इस पर ईमान ले आओ, أو يا لا تؤمنوا, या मत लाओ, सीधी सी बात है, إن الذين, बेशक वो लोग, أوتوا के उनको दिया गया, العلم, इल्म, من قبله, इससे पहले, बेशक वो लोग जिनको
इनसे पहले इल्म दिया गया, कहो कि तुम इस पर ईमान लाओ या ईमान न लाओ, वो लोग जिसको इससे पहले इल्म दिया गया था, इदा युतला अलैहिम यखिरूना लिल अज़्कान सुज्जदा, इदा जब युतला, तला यतलू तो इतलावत करना, युतला पैसिव है यतलू से युतला पैसिव, युतला जब उसको तिलावत किया जाता था अलैहिम उन लोगों पर जिन लोगों को पहले इल्म दिया गया, वो जब उन पर तिलावत किया जाता था वो युतला वो तिलावत किया जाता था यानी कुरान अलैहिम उन लोगों पर जिन उनको पढ़कर सुनाया जाता था, यखिरूना खर्रा, यखिरू माने होता है गिरना, खारा रा इसका रूप है, यखिरूना वो गिरते थे अस्काने जाल काफ जमा अस्कान माने होता है थोड़ी, दिल अस्कानी थोड़ी केवल सुज्जदा सजदे में, साजिद का प्लूरल है सुज्जदा, साजिद सजदे में वो गिर जाते थे, या फिर पूरा सुज्जदा वो सजदों में गिर जाते थे, वो गिर जाते थे झुक कर सजदे में जाकर वो गिर जाते थे थोड़ी हो केवल, दिल अस्कानी थोड़ी हो केवल, जब वो उनके सामने पढ़ा जाता था तो वो थोड़ी हो केवल सजदे में गिर पड़ते हैं। وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَقُولُونَ और वो कहते हैं सुबहाना पाक है रब्बिना हमारा रब, इन काना इन यहाँ पर कोई इन्ना वाला है बेशक, काना है वादु रब्बिना हमारे रब का वादा, मफ़ूला मफ़ूल फ़ाला से मफ़ूल है ठीक है, फ़ाला माने होता करना मफ़ूल जिसको किया गया हो, तो हमारा रब का वादा ऐसा है कि उसको किया गया है यानी वो वादा हो गया पूरा, यानी रब का जो वादा है वो ऐसा है कि वो पूरा हो गया उसमें कोई डाउट नहीं। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ऐसे ताबीर इस्तेमाल करते हैं जैसे हम किसी को यकीन दिलाने के लिए बोलते हैं देखा आपका काम हो गया, टेंशन मत लीजिए हो गया, आपने मुझे दे दिया तो समझ लीजिए हो गया, से बोलते ना अभी हुआ नहीं है वो करवाएगा जाके, लेकिन वो उसको पता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है ऐसे बोल रहे, इनका न वादो बेशक का न वादो रब्बिना है वादो रब्बिना हमारे रब का वादा, मफ़ूला पूरा हो गया पूरा होने वाला है यानी वो जरूर पूरा होता रहता है, और कहते हैं कि हमारा रब पाक है बेशक हमारे रब का वादा जरूर पूरा होता है। वयखिरूना लिल अज़्कान यबकूना वयज़ीदुहुम खुशूआ, वयखिरूना और वो गिर जाते हैं वही खर्रा से, वो गिर जाते हैं लिल अज़्कान थोड़ियों के बल, यबकूना बताया कि माने होता है रोना, यबकूना वो रोते हैं यानी रोते हुए वो गिरते हैं थोड़ियों के बल, वयज़ीदु और ये कुरान जो है वयज़ीदु और वो ज्यादा करता है उनको खुशुआ, खुशु में खुशु कहते हैं खा शीन आइन, खशा माने होता है झुक जाना किसी के सामने, आजिज़ी की वजह से किसी के सामने झुक जाना बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल बेहसियत और कमतर समझना किसी के सामने, वैसी दो और वो उनको बढ़ाता है खुशुआ खुशु में आजिजी में यानी रब के सामने अपने आप को समझना कि हम तो कुछ नहीं है रब के सामने, वो ठोड़ियों के बल रोते हुए गिरते हैं और कुरान उनका खुशु बढ़ा देता है। قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، قل كه دو ادعوا الله الله کو پکارو، ادعوا كه دو کہ تم پکارو الله الله کہہ کر، أو يا ادعوا پکارو تم الرحمن رحمان کہہ کر، يعني تم الله کو پکارو يا رحمان کو پکارو، دونوں ایک ہی ہے اللہ بھی رحمان، أيا جو ما یہ اسی کے ساتھ ہے أيما جس کو بھی تدعوا तुम पुकार जिसको भी चाहो तुम पुकार, फलहू उसी के लिए है अल अस्माउ इसमें उनका प्लूरल अस्मा अस्मा अल हुस्ना, हुस्ना ये मुअन्नस है अहसन का हासिन नून इसम का रूप है तुम्हारे अच्छा उसी के लिए है सब अच्छे नाम, कहो क्या खा अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो उसके लिए सब अच्छे नाम है। ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، ولا تجهر جهر ہے جهر معنی ہوتا ہے آواز سے بولنا کسی چیز کو کسی چیز کا ظہور ہونا سامنے آ جانا جهر معنی ہوتا ہے یعنی آواز سے بولنا کسی چیز کو زور سے بولنا، ولا تجهر اور نہ جہر کرو آواز سے بولو زیادہ بصلاتك اپنی نماز کو، ولا تخافت خافاتا ٹھیک
इसका माने होता है पस्त करना, वला तुखाफित बिहा खाफत युखाफित, वला तुखाफित वो न पस्त करो बिहा उसको सलाते का यानी कि तुम्हारी नमाज को, ना बिल्कुल आवाज से पढ़ो और ना बिल्कुल आहिस्ता पढ़ो। वबताकी चाहो बई नदाली का इन इनके बीच में यानी इन दोनों के बीच में सबीला कोई रास्ता, तो इन दोनों के बीच का एक रास्ता तलाश करो, इन दोनों के बीच का जो रास्ता है उस तरीके से, और तुम अपनी नमाज ना बहुत उतार कर पढ़ो और ना बिल्कुल चुपके चुपके पढ़ो, और दोनों के दरमियान का तरीका अख्तियार करो। وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وقل قلته الحمد لله تمام تعريفه سلاح کے لیے ہے، الذي جس نے لم نہیں يتخذ، اتخذ يتخذ من ہوتا بنانا، جس نے نہیں بنایا، يتخذ نہیں، لم يتخذ نہیں بنایا، اتخذ بنانا لم لگ گیا تو نہیں کبھی نہیں ہو گیا، لم يتخذ اس نے نہیں بنایا، ولدن اولاد، ولم اور نہیں، یکن ہے لہو اس کا شریکن کوئی شریک، فی ملک بادشاہت میں، اور کہو کہ تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے۔ ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، ولم اور نہیں، یکن ہے لہو اس کا ولی کوئی مددگار کوئی معاون، من الذل، ذل معنی ہوتا ہے کمزور پڑنا، ٹھیک ہے، کسی کے سامنے جھک جانا، کمزور پڑ جانا، تو ذل کمزوری، من الذل کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی آنو مددگار نہیں، ایسا نہیں کہ اللہ کمزور ہے یا کوئی ان کو ضرورت پڑ رہی ہے تو یہ کام نہیں ہوگا اللہ سے، دوسرے کو اس کا مددگار ہونا چاہیے، ایسا نہیں، اللہ کا کوئی مددگار نہیں ہے کیونکہ اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ کا کوئی مددگار نہیں۔ وکبرو، کبر یکبر، تکبیر معنی ہوتا ہے بڑائی بیان کرنا، بڑا کرنا، وکبرو اس کی بڑائی بیان کرو، تکبیرا خوب تکبیر بیان کرو، اس کی بڑائی بیان، ورنہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے اور تم اس کی خوب بڑائی بیان کرو۔ یہ ہمارا سبق ہے آج، آپ اس کو اچھے سے یاد کریں، پڑھ سکتے ہیں اس کی، لکھ دیجیے۔